गाजीपुर जिले का मर्दा विकासखंड मुख्यालय दारूबाजों व अय्याशी का अड्डा बन गया है। हमेशा कर्मचारियों के करतूत से ब्लॉक मुख्यालय चर्चा का विषय बना रहता है। सोमवार को अचानक 10 दिन बाद जब वो मर्दा ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर निधि सिंह कुशवाहा जब अपने कार्यालय पहुंची तो उनके ऑफिस की टेबल पर शराब की 3 बोतलें एवं ग्लास, पानी की बोतल व खाली नमकीन का पैकेट मौके पर पाया गया। इस संदर्भ में जब ADO पंचायत एवं VDO के कर्मचारियों से पूछा गया कि प्रमुख कक्ष में कौन शराब पीता है तो सभी द्वारा अनभिज्ञता जताई गई। अक्सर ब्लॉक परिसर में ब्लॉक के कर्मचारी शराब और मुर्गे की दावत उड़ाते रहते हैं, जिसका हिस्सा आज प्रमुख कार्यालय भी बन गया। ब्लॉक प्रमुख कक्ष में शराब का मिलना उसी दावत का हिस्सा माना जा रहा है। ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर निधि सिंह कुशवाहा से पूछने पर उन्होंने कहा कि यह घटना बहुत ही निंदनीय है और मुझे बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। मैं अराजक तत्वों के खिलाफ थाने में तहरीर दूंगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। इस घटना को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चा हो रही है। मैं डॉक्टर निधि सिंह कुशवाहा, ब्लॉक प्रमुख मर्दा, जो कि मैं आज कुछ कार्यों से ब्लॉक पे गई थी। एक हफ्ते पहले DM का प्रोग्राम था, उस दिन के बाद लगभग मैं आज वहाँ कुछ प्रोग्राम कुछ जरूरी कार्यों से मैं ब्लॉक पे गई थी और वहाँ मैंने जो अस्त व्यस्त और जो वहाँ की सारी कर्मचारियों की जो लापरवाही देखी उसको देख के मैं दंग रह गई। क्योंकि जैसे ही मैंने कैबिन का दरवाज़ा खोला उसके बाद उस मेरे कैबिन पे मेज पे तरह तरह के दारू के बॉटल, बिस्लेरी के बॉटल और नमकीन ये सब रखा गया था और सील टूटी हुई थी। पूरा कुर्सी अस्त व्यस्त था और मेरा पूरा चैम्बर एकदम अस्त व्यस्त था, जो कि मैं देख के एकदम से दंग रह गई हूँ, जिसकी वजह से मैं बहुत आहत हूँ। क्योंकि हर चीज़ का एक अपना पोजीशन होता है, हर कुर्सी की एक महत्ता होती है, जिसको ये लोग बिल्कुल गलत यूज कर रहे हैं। इसलिए मैं इस पे कार्यवाही चाहती हूँ। मैं इससे DM से कल मिलके मैं इस पे सख्त से सख्त कार्यवाही करवाना चाहती हूँ ताकि ऐसा दोबारा ना हो। क्योंकि ब्लॉक परिसर पे सरकारी प्रॉपर्टी है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, सरकार की है और वहाँ लोग काम करने जाते हैं। काम का क्षेत्र एक मंदिर होता है, मंदिर में कोई जाके दारू या शराब पिए ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसलिए मैं इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहती हूँ और मैं इसके लिए DM से भी मिलूँगी और नहीं हुआ तो मैं इसके लिए मुख्यमंत्री तक भी मैं जाऊँगी। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।